चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, भारतीय दर्शक कितने दिनों से रविवार का इंतजार कर रहे थे। सोचा था छुट्टी का दिन है और एशिया कप का फाइनल भी, बढ़िया टाइम पास होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें खुशी तो मिलेगी लेकिन पूरा टाइम पास नहीं होगा। ग्राउंड में टिकट लेकर गए लोगों का तो पैसा भी वसूल नहीं होगा, और एशिया कप के फाइनल में हुआ भी कुछ ऐसा। भारतीय टीम ने एशिया कप 2023 का फाइनल तो जीत लिया है, लेकिन मैच ही कुछ ऐसा हुआ कि लगा ही नहीं कि एशिया कप का फाइनल चल रहा। बात तो सही है। श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका का पहला विकेट कुशल परेरा के रूप में 1 रन पर गिर गया। लेकिन मैच का 4था ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, और उन्होंने इसी ओवर में लंका दहन की कहानी लिख दी। श्रीलंका का हर बैट्समैन यही कहते हुए आता है, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सिराज के इस ओवर में श्रीलंका ने 4 विकेट गंवा दिए। सिराज ने कुल 6 विकेट लिए, बची कुछ ही कसर हार्दिक पांड्या ने भी पूरी कर दी। इन्होंने भी 3 विकेट ले लिए और श्रीलंका की पूरी टीम मात्र 50 रन पर ऑल आउट हो गई। बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। फिर क्या, भारतीय ओपनर्स गिल और ईशान किशन ने 6 ओवरों में ही मैच खत्म कर दिया और भारतीय टीम ने 8वां एशिया कप का खिताब अपने नाम कर दिया। कुछ भी हो दोस्तों, एशिया कप जीतने की खुशी तो है लेकिन मजा नहीं आ रहा है।